करते हैं आज के होने वाले मैच कोलकाता वर्सेज सनराइज़ हैदराबाद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, पिच का वेन्यू कैसा है और खिलाड़ियों का हाली फॉर्म कैसा है, उनका इस वेन्यू पर रिकॉर्ड कैसा है और सबसे लास्ट में हमारा ड्रीम इलेवन क्या होने वाला है। तो चलो दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आज का मैच होगा केकेआर वर्सेज सनराइज़ हैदराबाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो सबसे पहले पिच की बात करते हैं। ये मैच खेला जा रहा है ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, वहाँ का थोड़ा बाउंड्री छोटा है तो वहाँ पे बैट्समैन के लिए हिटिंग करना काफ़ी आसान होगा। बाकी पिच की बात करें तो पिच एकदम नया पिच है और यह बैटिंग फ्रेंडली है। यहाँ का एवरेज स्कोर लगभग 162 है, तो यहाँ पे पेसर्स को भी काफ़ी हेल्प है और फ्लैट सरफेस है, तो मतलब काफ़ी आपको अच्छा स्कोरिंग मैच यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर पेसर्स के लिए स्विंग है, कुल मिला के हम बोल सकते हैं एक मतलब एवरेज पिच है जहाँ पे स्पिनर्स को भी कुछ मदद है। यदि कोई इसके अंदर क्वालिटी स्पिनर है तो उसको मजे से वरुण चक्रवर्ती हो गया, आदिल रसीद हो गया, तो इनको काफ़ी मदद मिल सकती है पिच पे। तो पिच का तो मिला जुला है, मतलब कहने मतलब अच्छा पिच है पेसर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे स्पिनर की कंपेयर में पेसर्स को अच्छा मदद है, तो आप पेसर्स पे थोड़ा बिलीव ज़्यादा कर सकते हो आज के मैच में। बाकी हम बात करें यहाँ पे इस वेन्यू पे पेसर्स और स्पिनर्स के रिकॉर्ड की, तो यहाँ पे अभी तक जो लास्ट 6 मैच हुए उसमें पेसर्स ने 37 विकेट लिए जबकि स्पिनर्स ने 29 विकेट लिए। पेसर्स ने फर्स्ट इनिंग में 19 विकेट, सेकेंड इनिंग में 19 विकेट जबकि फर्स्ट इनिंग में 18 विकेट। जबकि बात करें स्पिनर्स की तो उन्होंने सेकेंड इनिंग में 15 विकेट लिए और फर्स्ट इनिंग में, मतलब कुल मिला के कॉम्पिटिशन तगड़ा है स्पिनर्स वर्सेज। और यहाँ पे लास्ट मैच खेला गया था केकेआर वर्सेस आरसीबी, उसमें पेसर्स ने 5 विकेट लिए जबकि स्पिनर्स ने 12 रन लिए। तो अभी आप सोच सकते हो कि स्पिनर्स का रोल क्या होने वाला आज के मैच में। तो मतलब आप क्वालिटी स्पिनर होगा जैसे सुनील नारायण हो गया, वरुण चक्रवर्ती हो गया, आंध्र रसी, तो इनको आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। अब बाकी हम हेड टू हेड मैच की बात करें, अभी तक कोलकाता और हैदराबाद के वर्सेज 23 मैच हुए टोटल, जिसमें से कोलकाता ने 15 जीते हैं और सनराइज़ हैदराबाद ने 8। तो इसका मतलब भी यह है, प्रेडिक्शन ये है कोलकाता का होल ग्राउंड है तो यहाँ पे चांस ज़्यादा कोलकाता के रहेंगे जीतने के। तो उसी प्रकार से अब बाकी हम अपने 11 की बात करें, तो सबसे पहले गुरबाज जो कि विकेट कीपर और ओपनिंग भी आते हैं, इसके अलावा वेंकटेश अय्यर हो गया, मनदीप सिंह, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंध्र रसेल, सुनील नारायण। और बाकी हम लोअर सेक्शन की बात करें तो शार्दुल ठाकुर हो गया, टीम साउदी, ललित यादव, वरुण चक्रवर्ती। अब बाकी हम बात करें हैदराबाद की टीम में, तो अनमोलप्रीत सिंह हो गए, मयंक अग्रवाल हो गए, राहुल त्रिपाठी, एड मार्कम, हैरी ब्रुक, वांसिकटन सुंदर, अब समाद अब्दुल असीद, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक और टी नटराजन। इस प्रकार से आज का संभावित टीम 11 इस प्रकार होगा अपना। अब बाकी हम बात करें इस मैच की, तो सबसे पहले हम खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे, उनका हाली फॉर्म कैसा है, उनका रिकॉर्ड कैसा है, उसके बाद में फिर हम बात करेंगे कि अपनी ड्रीम इलेवन का हम टीम बनाएंगे, उसमें किस खिलाड़ी को लेना चाहिए, किसको नहीं खेलना लेना चाहिए, उस हिसाब से अपन ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे। चलो तो देखते हैं, मतलब सबसे पहले हम पूरा एनालिसिस करेंगे खिलाड़ियों के बारे में, जिससे मतलब अपने को बेसिक आइडिया हो जाए मतलब आज के मैच में कौन खिलाड़ी अच्छा करेगा और कौन से बॉलर के खिलाफ उसका रिकॉर्ड कैसा क्या है, तो उस तरीके से बात करते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं आज यदि अपने को विनर बना, तो विनर बनने के लिए कुछ डिफरेंट सोचना होगा, साथ साथ अपना भी लॉजिक लगाना होगा। और बाकी चलो हम देखते हैं पहले खिलाड़ियों के बारे में, एक एक के बारे में जानते हैं, फिर देखते हैं अपनी टीम के लिए कौन बेस्ट है क्या बेस्ट है, एक एक खिलाड़ी की बात करते हैं जिससे आपको टीम बनाने में आसानी हो। आई होप आप भी विनिंग जोन में आए, आप भी आपका भी करोड़पति बनने का सपना पूरा हो। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उससे आपको हेल्प मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरबाज, आर गुरबाज की। तो मैं बता रहा हूँ विकेट कीपिंग भी करते हैं, कोलकाता की तरफ से खेलते हैं, तो विकेट कीपर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए गुरबाज होगा। इनका हालिया फॉर्म इतना शानदार चल रहा है तो विकेट कीपर से मैं गुरबाज को लेना चाहूँगा। बाकी एच कार्लसन की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है खिलाड़ी में, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए हैं अभी तक, तो इनको अपन एक बार स्किप भी कर सकते हैं। बाकी जी फिलिप्स की बात करें तो आज के मैच वो भी खेल सकते हैं, यदि जी फिलिप्स की टीम में खेलते हैं वो भी विकेट कीपिंग, तो मैं पक्का जी फिलिप्स के साथ जाना चाहूँगा। बाकी
हम बात करें लिटन दास की, लिटन दास भी अच्छे खिलाड़ी है, ये भी अच्छे चॉइस है, लेकिन उनका अभी कन्फर्म नहीं खेलना, तो इनको अपन एक बार ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी विकेट कीपर्स में एक के साथ में जाऊँगा कि बल्लेबाजी की बात करें, सबसे पहले बात करें नितेश राणा जो कि कोलकाता के कैप्टन है, उनका इस वेन्यू पर बहुत शानदार रिकॉर्ड है, तो आप इनको अपनी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। और बाकी वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस हो तो नितेश राणा अपनी टीम में ले सकते हो। बाकी हम बात करें मयंक अग्रवाल की, तो मयंक अग्रवाल का इस वेन्यू पर रिकॉर्ड इतना खास है नहीं, बाकी कोलकाता की ताकत है उनकी स्पिन बॉलिंग, जैसे नारायण हो गया और टी नटराज, तो उनके मतलब लेफ्ट आर्म जो स्पिनर्स है या लेफ्ट आर्म जो बॉलर्स है उनके खिलाफ मयंक अग्रवाल का रिपोर्ट बहुत बेकार है, तो आज के मैच में मैं उनको ड्रॉप करना चाहूँगा, मुझे आज इतने लग नहीं रहे दमदारे। बाकी राहुल त्रिपाठी की बात करें, मैं बोल रहा हूँ आज के मैच में सबसे बेस्ट ऑप्शन राहुल त्रिपाठी, उन्होंने लास्ट मैच में 74 नाबाद रहे तो, और इस वेन्यू पे तो इनका रिकॉर्ड शानदार है, तो आज के मैच के लिए कैप्टन के लिए बेस्ट चॉइस राहुल त्रिपाठी है। बाकी हम बात करें रिंकू सिंह की, तो रिंकू सिंह दो मैच में लगातार 40+ कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। बाकी आज के मैच में मैं रिंकू सिंह को ड्रॉप करना चाहूँगा, क्योंकि दो मैच से चले तो काफ़ी लोगों ने इनको बाय किया है, यदि तो आज के मैच में पूरा चांस है फ्लॉप भी जा सकते हैं, तो इनको मैं एक बार रोकना चाहूँगा। और बाकी वेंकटेश अय्यर की बात करें, तो उनका हालिया फॉर्म शानदार चल रहा है, लेकिन इन्हीं का वो सेम प्रॉब्लम है क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर के खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं वेंकटेश अय्यर। और इसके अलावा बात करें हेनरी ब्रुक की, तो हेनरी ब्रुक भी इतना कुछ खास कर नहीं पा रहे, थोड़ा फ्लॉप भी चल रहा है। एस अहमद अच्छी फॉर्म में चले, दो मैच में लगातार नाबाद आए हैं, तीसरे मैच में इनका वेटिंग आया नहीं, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है थोड़ा नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, तो इनका भी अभी ऐसे। बाकी मनदीप सिंह कुछ फॉर्म में चल नहीं रहे, ठीक है, तो हम देखते हैं किस किस को लेते हैं, तो मैं रिंकू सिंह को अपनी टीम में ले लेता हूँ। और बाकी बात करें नीतीश राणा, ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑलराउंड सेक्शन की, अब हम बात करते हैं ऑलराउंड सेक्शन, तो ऑलराउंड सेक्शन सुनील नारायण सबसे सेफ ऑप्शन, कैप्टन के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, हालिया फॉर्म में आप वो बॉलिंग बैटिंग दोनों से कुछ करके। बाकी हम बात करें रसल की, तो रसल का ये है यदि वो बॉलिंग भी करते हैं तो ये कैप्टन के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अभी हाल ही बॉलिंग करना रहे, थोड़ा चोट से उभर के आए, तो इनको भी एक बार मैं स्किप करूँगा। शार्दुल ठाकुर की बात करें, तो ये तो ऑल टाइम बेस्ट है, अभी बॉलिंग से इस आईपीएल में कुछ खास कर नहीं पाए, बाकी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से करके दे सकते हैं, तो शार्दुल ठाकुर को मैं अपनी टीम में लूँगा। बाकी एडम मार्कम की बात करें, तो कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है, क्योंकि आपको बॉलिंग में भी दो तीन ओवर करके दे सकते हो और बाकी बैटिंग में अच्छा फॉर्म चल रहा है, तो ऑलराउंड सेक्शन में एडम मार्कम को मैं लेना चाहूँगा। बाकी एम जेंसन अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर, आज के मैच में सुंदर का रोल काफ़ी अहम हो सकता है, क्योंकि दो तीन मैचों से कर नहीं रहे काफ़ी अच्छा, लेकिन इस मैदान पर सुंदर काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि कोलकाता के बल्लेबाज लेफ्ट आर्म बॉलर के खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल करते हैं नज़र आते हैं, तो हम सुंदर को आज के मैच में ट्राई करूँगा। बाकी हम बात करें बॉलिंग सेक्शन, तो बॉलिंग सेक्शन में टीम सऊदी अभी कंफर्म नहीं इनका खेलना, यदि खेलते हैं तो उनको अपनी टीम में, बाकी उमरान मलिक सबसे पोटे हर मैच में विकेट ले रहे हैं, अभी तक तीन मैच में उन्होंने 4 विकेट लिया, और जो कोलकाता के बैट्समैन हैं वो थोड़ा शॉर्ट बाउंसर के खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो उमरान मलिक आज के मैच के लिए बेस्ट हुए। बाकी उमेश यादव की बात करें, तो अभी खालिया फॉर्म इनका कुछ खास है नहीं, तीन मैचों में एक विकेट लिया, तो इनको मैं लिफ्ट करना चाहूँगा। बाकी लोकी फर्ग्यूसन को भी स्किप करूँगा, भुवनेश्वर कुमार अच्छे बॉलर है, ये आपको डेथ ओवर और शुरू में दोनों विकेट निकाल के दे सकते हैं, तो अपनी टीम में के लिए अच्छा ऑप्शन है भुवनेश्वर कुमार। और बाकी हम बात करें वरुण चक्रवर्ती की, तो वरुण चक्रवर्ती क्वालिटी स्पिनर, इनको मैं अपनी टीम में जरूर लेना चाहूँगा। और आंध्र रसीद भी अच्छा ऑप्शन है, इनको भी हम टीम में ले सकते हैं। ए हुसैन फारूकी सब्स्टिट्यूट के रूप में आए थे, लेकिन आज के मैच में इनका खेलना मुझे इतना लग नहीं रहा है, तो हम बात करें अब एक बॉलर और बच गया, तो हम एक बॉलर लेते हैं भुवनेश्वर कुमार को, क्योंकि आज के मैच के लिए भुवनेश्वर हमें विकेटिंग बॉलर भी चाहिए, तो इस प्रकार हमारा ये टीम तैयार है। बात करें कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मैं जाना चाहूँगा एडम मार्कम के साथ, क्योंकि वो ऐसा है जो अब बॉलिंग के साथ साथ आपको बैटिंग में भी करके दे सके, तो कैप्टन के लिए एडम मार्कम अच्छी चॉइस है। बाकी वाइस कैप्टन की बात करें, तो वाइस कैप्टन के लिए आज के मैच में मेरे को सबसे ज़्यादा पोटे से राहुल त्रिपाठी का लग रहा है, तो वाइस कैप्टन में राहुल त्रिपाठी को अपनी टीम में लेना चाहूँगा, क्योंकि आज के मैच में काफ़ी उम्मीद है उनसे और काफ़ी अच्छा फॉर्म भी इनका चल रहा है, तो ये देखिए अपना ड्रीम इलेवन टीम तैयार है, गुरबाज हो गए क्रिकेट जैक्सन से, बैट्समैन की बात करें रिंकू सिंह, राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा, ऑलराउंडर सूर्य नारायण, साधु ठाकुर, एडम मार्कम, वासिंग ने सुंदर, बॉलिंग से वरुण चक्रवर्ती, उमरान मलिक, भुवनेश्वर कुमार, इस प्रकार अपना टीम तैयार है।
आई होप दोस्तों मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी और इससे आपको अच्छी टीम बनाने में मदद मिलेगी। ये देखिए दोस्तों अपना टीम इस प्रकार है, गुरबाज विकेट सेक्टर की तरफ से नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, एडम मार्कम, शार्दुल ठाकुर, वासिंग सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती और उमरान मलिक। ये देखिए दोस्तों अपना ड्रीम इलेवन टीम तैयार हो सकता है। अब आप जब भी टीम बनाओ तो उसमें कुछ जो आपको जानकारी मिली उसकी एक तो नहीं, बाकी आप अपना लॉजिक भी इसके अंदर लगा सकते हो क्योंकि ये गेम लॉजिक का ही है, इसमें अपना भी माइंड थोड़ा इसका एक्टिव रखना है। और बाकी दोस्तों मैं चाहता हूँ आप भी विनिंग जोन में आए, आप भी मेरी तरह कुछ अच्छा करके दिखाए। आई होप आपका भी करोड़पति बनने का सपना पूरा हो। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा और मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी, आपको लगा हाँ यार ये अच्छी जानकारी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।